गाड़े पीट ले जी। अस्सलाम वालेकुम, करो आप लोग अपना बात करो। ये हम लोग जो है अपने इस कॉपर ऑक्साइड वाले पॉइंट पर बैठे हुए, वो देखें वो लड़का खड़ा हुआ है, ये हमारा एक कॉपर ऑक्साइड का मेन पॉइंट है। और जैसा कि मैं अक्सर इस एरिए की वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ, वो देखिए ये मशीन खड़ी हुई है और इसके बिल्कुल पीछे देखें आप हमारा कैंप देख सकते हैं। ये देखें हम लोग इस वक्त किस जगह बैठे हुए हैं, आप अंदाज़ा कर सकते हैं। देखिए वो नीचे बिल्कुल गहरी खाई है। यहाँ बैठने का मकसद ये है कि हम किस तरीके से इस रोड को उस पॉइंट तक लेके जाएं ऊपर, क्योंकि यहाँ रास्ता काफ़ी जो है पेचीदा है, यहाँ बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, बड़े बड़े फर्श हैं, जिसकी वजह से हम रोड को आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। इसी मशवरे के लिए मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। इस रास को डिस्ट्रिक्ट चागी बलूचिस्तान के कॉपर ऑक्साइड के माइनिंग एरिया के अंदर, और आप देख सकते हैं किस हाइट पर इस वक्त हम, ये समझ लीजिए कि जमीन से लगभग 350-400 फुट की बुलंदी पर तकरीबन मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ। तकरीबन 350-400 फुट जमीन से ऊपर की तरफ मैं यहाँ मौजूद हूँ। साथ में हम लोगों ने लड़कों को बिठा दिया है कि हर आदमी अपने अपने पॉइंट के ऊपर मार्क कर रहा है कि रोड को कहाँ से ऊपर लेके जाना है, क्योंकि देखें माइनिंग साइट पे जब आप कोई रोड बनाते हैं अपने पॉइंट तक पहुँचने के लिए, तो उसके लिए आपको पूरा एक प्लान, एक पूरा एक अपना प्लान वजह करना होता है और उसके मुताबिक रोड को लेके जाना होता है। क्योंकि आपको इतना स्मूथ रोड बनाना होता है कि आपकी गाड़ी भी 4x4 गाड़ी भी आपके पॉइंट तक पहुंचे। तो यहाँ आके हम लोग फंस गए कि अब यहाँ से हम इस रोड को कैसे कंटिन्यू करें। उसी सिलसिले में हम लोग आज बरोज जुमेरात 11 जुलाई 2024 हम यहाँ स्टॉप पॉइंट के ऊपर बैठे हुए और यही मशावरत कर रहे हैं कि आगे इसको कैसे कंटिन्यू किया जा सके। चलिए वो इधर देखिए, आप देख सकते हैं कितनी मुश्किल जगह पर आके हम लोग मशीन के साथ फंस गए, इस जगह पर हम स्टक हो गए। और बिल्कुल अभी मैंने मशीन वाले को नकद इनाम का भी कह दिया है, मैंने कहा आप रोड ऊपर पहुँचाओ इस जगह तक, अभी बैठ के हम इसको प्लान कर रहे हैं कि हमने कहाँ कहाँ से इसके मोड़ देना है, इसकी गोलाइयाँ देनी है, क्योंकि हमने ये देखना है कि हमारी हाइट भी ज़्यादा ना बने, क्योंकि हमारा पॉइंट वो है सामने। हत्तुल इम्कान कोशिश करेंगे कि हमें यहाँ पर लिफ्ट ना लगानी पड़े, पूरी कोशिश करेंगे। ये देखें कितना टॉप पॉइंट है। क्या प्रोग्राम है आगे का? ये प्रोग्राम है ना, ये बताएगा कि मैं रोड इधर तक पहुँचाएगा, इस जगह तक, इस जगह तक। अच्छा, फार्म इस जगह पर बनाएगा, प्लेटफॉर्म बनाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा? नहीं, इससे ऊपर नहीं जाएगा। अच्छा, जब बड़ा चढ़ाई कर रहे हैं यहाँ से भी डायरेक्ट हाइट हो रहा है। नहीं, यहाँ से कोई इधर कोई सिस्टम नहीं बन सकता इस साइड पे? नहीं, जब उल्टे आते इधर पहुंचेगा ना। हाँ, बाद में ऊपर का सिस्टम देखेगा जब। बस ठीक है गुलाम खान, गुलाम कादिर, मेरा ख्याल है पहले यहाँ पहुँचा जाए किसी तरीके से, स्मूथली रोड बना के ऐसा कि जहाँ हाइट भी नहीं हो, गोलाइयाँ भी सही आ जाए, यहाँ तक पहुँचते हैं फिर यहाँ से आगे का सोचेंगे। क्या ख्याल है? ये टारगेट कर लो इस जगह को। किस जगह बोल रहा है? ये जगह सामने वाला नहीं है। हाँ, ये बोला मैं इधर तक आएगा ना। अच्छा, पहले इस जगह तक आएगा। हाँ, यहाँ से वापस ठीक है, मोड़ करेगा, सही है, वापस मोड़ करेगा। हाँ, वहाँ से वापस मोड़ करेगा इधर। अच्छा, एक मेरे जहन में सवाल हो रहा है, जब हम माइनिंग करेंगे ऊपर, हमारे पॉइंट का मलबा इसके ऊपर ना आए, हमें ये भी सोचना है रोड के ऊपर कि मलबा हमारा, क्या ख्याल है? मलबा जो मलबा ऊपर से गिराएंगे, जो हमारा माइन का मलबा होगा उसके बारे में भी सोचना है कि वो रोड के ऊपर ना आए। तो हमने इस जगह से जो रोड को लेना है तो उसका ख्याल रखना है कि मलबा हमने कहाँ फेंकना है, जो माइन से मलबा निकले। क्या ख्याल है? इसका भी सोच लगाओ। मलबा तो नीचे आएगा, क्या बोलते हो उस बारे में? इसकी भी सोच लगाओ ना।